अब जरा। हाँ जी अंकल नमस्कार, आप यहीं के रहने वाले? यहाँ की। तो कहाँ इधर निकले? नहीं मैं क्या इधर बुक खरीदने के लिए आया था, इधर एक बड़ा बुक स्टॉल है। अच्छा, मेहता, अपना मेहता करके, वहाँ बुक परचेस करने के लिए आया था। क्या नाम है आपका? मुरगुड़कर, चंद्रशेखर मुरगुड़कर। मुरगुड़कर, मुरगुड़ जो गाँव है ना इधर। अच्छा, मुरगुड़कर के गाँव है इधर 40 किलोमीटर कोल्हापुर से, वहाँ का हूँ मैं। क्या हाल चाल है कोल्हापुर का? रास्ते खराब है, रास्ते बहुत ही खराब है, कोई करता नहीं काम रास्ते का। पानी आता है लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम है सब। वो सब जो हमारे जैसे बूढ़े लोग हैं वो जो निकलते हैं ना रोड पे, तकलीफ होती है उनको। तो क्या ये जो निवडणूक हो रहा है महाराष्ट्र में, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, मुझे मेरा दिमाग घूम जाता है। क्यों? कोई भी इधर का आदमी इधर, उधर का आदमी इधर, ऐसा चल रहा है सब। अच्छा, उससे घूम जा रहा है। सोचो किधर जाता, किधर आदमी कहाँ कौन से पक्ष में है ये समझता नहीं ना सर। वैसे मेरा सर, मेरा ज़्यादा करके मैं ट्रांसलेशन करता हूँ बुक का। अच्छा, मेरा 20 बुक ये हुआ है, पब्लिश हुआ है 20। अच्छा, आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग बुक राइटर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो इंजीनियर आदमी का दिमाग तो नहीं घूमना चाहिए, आपको तो समझ जाना चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट चाहिए ना सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लेकिन ये जो पाला बदल के, ये जो पार्टी तोड़ के सर, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि मुझे क्या लगता है, जैसे तुम जाते हो उधर तुम्हारी कीमत आधी हो जाती है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए फिर चले जाइएगा। ये उद्धव ठाकरे और बीजेपी 2019 में एक साथ निवडणूक लड़े, एक ही साथ युति बनाई, गठबंधन, और जब इलेक्शन आ गया, जीत रिजल्ट आ गया, बीजेपी के एमएलए ज्यादा हुए, इनके कम हो गए। फिर ये कहने लगे कि बंद कमरे में अमित शाह ने हमें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहा था, सीएम की कुर्सी हमें चाहिए नहीं तो हम सपोर्ट नहीं करें, और इन्होंने समझौता तोड़ दिया। और जिंदगी भर जिसके साथ मुखालफत की थी कांग्रेस के साथ तोड़ दिया, और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके सरकार बना लिया, जिसके साथ शुरू से गठबंधन था वो तोड़ दिया। वो पाला बदलना ज्यादा खतरनाक महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि शिंदे साहब उद्धव ठाकरे के साथ भी मिनिस्टर रहकर और छोड़ के चले गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, अजीत पवार शरद पवार को छोड़ के चले गए और उधर जाके मिल गए, ये ज्यादा लोगों को बड़ा धोखा लगा। कौन सा धोखा या कौन सा विश्वासघात महाराष्ट्र की जनता को बड़ा लगा? शिंदे का जो, शिंदे ने जो किया ना, शिंदे साहब ने जो किया वो करेक्ट है। अच्छा। क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे ने कचरे की कीमत दी थी, इतना काम करते थे और अंदर जाएंगे तो बुलाएंगे नहीं, 3-3 तास उधर बैठना पड़ता था उनको, ऐसा करते थे। और काम करने का जो तरीका था उनका, उद्धव ठाकरे साहब का, अपने कोविड के समय और उधर एकदम बेकार था, कुछ करते नहीं थे। इन ये लोग 18 घंटा काम करते हैं और कुछ तो करके दिखाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है ना, उन्होंने कांग्रेस के साथ जो मिलीभगत की उद्धव ठाकरे ने, वो बहुत ही गलत काम था। इट इज़ 100% रॉन्ग टास्क। और ये अजीत पवार को जो एनडीए में लेके डिप्टी सीएम बना दिया, पहले कह रहे थे कि वो अच्छा नहीं लगता, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। हा? अच्छा नहीं लगता है, वो रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब यही है, रॉन्ग रॉन्ग में आपका चक्कर घूम जाता। सर आपका कौन सा चैनल है? सर न्यूज 31। आपसे मिलना था आपका, मतलब हम शो देखते हैं आपका। हाँ सर, आपका शो देखते हैं। थैंक यू, आपको मिलना था इसलिए। हमारा शो देखते हैं, हम नासिक से हैं। अरे यार, ये तो बड़े अचरज की बात आपने बताई। यहाँ महाराष्ट्र हम लोकसभा में आप जब आए थे यहाँ इलेक्शन का ये करने, तब देखा था हमने आपको, और न्यूज में भी देखते रहते हैं। अच्छा, चलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या लग रहा है नासिक में? सर बता नहीं सकते आप, क्योंकि अलग बहुत पार्टीज क्रिएट हो गई है, तो किसको वोटिंग करे, कौन डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज है। तो देखेंगे अभी क्या हाल है, बट डेवलपमेंट तो होना चाहिए सर। डेवलपमेंट हुआ है?
हाँ हुआ है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है बट और होना चाहिए। देखिए मैं ये जो सैकड़ों साल 500 700 साल पुरानी इमारतें उसी तरह खड़ी रहती हैं और ये अपनी खूबसूरती इसी तरह दिखती है, मैं कई बार अचंभित हो जाता हूँ ऐसे देख कर। कहाँ से आए हो आप लोग? भीड़ 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 भीड़। अरे आप भी उसी पूजा में आए हो क्या, यात्रा में? यात्रा को आए। अच्छा उधर क्या है भीड़ में, क्या लग रहा है? आप भीड़ में कपास लगा वाले, तोरा लगा वाले, बारिश गिरती कल परसों दिन। ओ कपास में? हाँ बारिश गिर गई। वही गिर गई बारिश। अरे हम तो निवर्णन निवर्णुक निवर्णुक हमारा पेट का बोल रहे हैं। हमारे को हमारा खेती का पड़ा है। अरे हमको भी खेती का पड़ा है, निवर्णुक से ही खेती का भी पता चलता है। इसी में जिसको जिताओगे वही तो शेतकारी के लिए। हाँ शेतकारी के लिए अच्छे दिन लाने वाला होगा। मराठी में शेतकारी किसान को कहते हैं। तो शेतकारी का अच्छा दिन आएगा जब निवर्णुक में अच्छा आदमी चुनेगा, तब वो कुछ पेट के लिए और खेत के लिए अच्छा करेगा। हाँ तो आपके हिसाब से अभी तक शेतकारियों के लिए सबसे अच्छा नेता महाराष्ट्र का कौन है? महाराष्ट्र में शेत देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत सोलार दिए और अच्छा अच्छा बीज बिल माफ करे, अच्छे काम करे। लाड़के बहन, लाड़के बहन, लड़की बहन चल रहा है क्या? चल चल चलना पड़ रहा, चलेंगे ना लड़की बहन तो चलेगी, चलते चलते चलेंगे। हमारे भीड़ में वो आने वाले, हाँ योगेश क्षीरसागर, योगेश क्षीरसागर आने वाले। चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ और अब मैं आ गया हूँ हजारों साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर में। पहले आप ये मंदिर देखिए, ये हजारों साल पुराना मंदिर है और महालक्ष्मी की यहाँ पर बहुत ही मान्यता है, बहुत ही आस्था है। कोल्हापुर के बारे में कहावत यह है कि कोल्हासुर का एक असुर यहाँ पर राज करता था, महालक्ष्मी देवी ने उसका वध कर दिया। मारे जाते वक्त उसने अपनी इच्छा के तौर पर कहा था कि उनका इस जगह का नाम उसके नाम पर रखा जाए, इसलिए कोल्हासुर के नाम पे इस जगह का नाम कोल्हापुर हो गया। और महालक्ष्मी देवी की मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नक्काशियाँ मंदिर की देखिए, जो पत्थरों पर की गई है किस तरीके से, और इस तरह का स्थापत्य कला का नमूना देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नंगी आंखों से अगर आप यहाँ का वास्तुशिल्प देखें तो आपको बहुत अचरज होगा। 1500 साल से भी पुराना ये मंदिर है और अभी तक उसी तरह से है। और मैंने जैसा कहा कि कोल्हापुर की मान्यता एक बहुत ही अलग तरह के शहर की है, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ पर खेल कूद खान पान सबके मामलों में ये शहर बड़ा ही अद्भुत है। आप लोग कहाँ